अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। लास्ट वीडियो में हम रजिस्टर की टाइप स्टडी कर रहे थे, हमने फिक्स रजिस्टर की टाइप स्टडी कर ली थी। आज की वीडियो में हम वेरिएबल रजिस्टर को स्टडी करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर, अ वेरिएबल रजिस्टर आर दोज हुज वैल्यू कैन बी वेरिड मैन्युअली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज चूजन फ्रॉम ए रेंज ऑफ ए रजिस्टर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ए शाफ्ट कनेक्टेड। वेरिएबल रजिस्टर होती है, इसमें हम रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये ऊपर एक रजिस्टर की शाफ्ट लगी है, ये दो पॉइंट होते हैं जिसके दरमियान ये ऐसे रजिस्टर होती है। आउटसाइड से दो टर्मिनल से रजिस्टर ले लें तो ये फिक्स वैल्यू के रजिस्टर आ जाएगी, जस्ट लाइक 10K की। और अगर हम इसकी वैल्यू सेंटर से पिक करें तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसा कि सिंबल में आप देख सकते हैं। 0.1 और 0.2 जो है ये फिक्स वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, जैसे 10K की मैंने बताया। और जो 0.3 है ये इसकी वेरिएबल बनेगा। फिर अगर आप रजिस्टर यूज़ करनी है 0.1 से और 0.3 से यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, ये रजिस्टर की वैल्यू वेरी होती रहती है। और ये दो तरह से इसका सिंबल शो किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, अब पोटेंशियोमीटर इज ए मैन्युअली एडजस्टेबल वेरिएबल रजिस्टर विद 3 टर्मिनल। 2 टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द बोथ एंड ऑफ ए रेजिस्टिव एलिमेंट एंड द 3rd टर्मिनल कनेक्टेड टू ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कार्ड वाइपर मूविंग ओवर द रेजिस्टिव एलिमेंट। द पोजिशन ऑफ द वाइपर डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये देखिए पोटेंशियोमीटर है, ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्लाइड बनी होती है रजिस्टर की, ये पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पे, और सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये वाइपर होता है जो इसके साथ कनेक्ट होता है। और ये इसके रजिस्टर की वैल्यू वेरी करता है, जिसको हम इस शाफ्ट की मदद से मूव कर सकते हैं। रियोस्टेट, अ रियोस्टेट कैन बी सिंपली कॉल्ड एज ए वायर वाउंड रजिस्टर। अ रजिस्टिव वायर इज वाउंड अराउंड एन इंसुलेटिंग सिरेमिक कोर टाइटली, अ वाइपर स्लाइडली ओवर दिस वाइंडिंग। वंस कनेक्शन इज मेड टू वन एंड टू द रेजिस्टिव वायर एंड द सेकेंड कनेक्शन इज मेड टू द वाइपर और द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ऑब्टेन द डिजायर वैल्यू। ये देखिए ये सेम वेरिएबल रजिस्टर की तरह, ये इसका एक टर्मिनल है और ये सेकेंड टर्मिनल है और ये इसका वेरिएबल पॉइंट है। आपने जो भी रजिस्टर वेरी करनी है वो यहाँ से शाफ्ट से मूव कर सकते। ये एक सिंपली वायर वाउंड रजिस्टर होती है जो वेरिएबल होती है, इससे हम बड़ी प्रिसाइज रजिस्टर वैल्यू हासिल करते हैं। ट्रिमर, ट्रिमर इज बोथ अ वेरिएबल रजिस्टर और अ पोटेंशियोमीटर, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। दिस ट्रिमर पोटेंशियोमीटर इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज ट्रिम पोर्ट। इफ दीज आर यूज एज वेरिएबल रजिस्टर दे आर कॉल्ड एज प्रीसेट रजिस्टर। दिस ट्रिम पोर्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज सिंगल टर्न और मल्टी टर्न। दीज आर स्मॉल वेरिएबल रजिस्टर यूज फॉर ट्यूनिंग एंड कैलिब्रेशनिंग। दिस लाइफ स्पैन इज शॉर्ट देन द अदर वेरिएबल रजिस्टर। ट्रिमर रजिस्टर होता है जस्ट लाइक वेरिएबल रजिस्टर की तरह होता है, और जैसा कि पोटेंशियोमीटर होता है बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन इसका साइज स्मॉल होता है। नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं जिसके रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती रहती है। नॉन लीनियर रजिस्टर में सबसे पहले हमारे पास थर्मिस्टर आता है। थर्मिस्टर मीन टेम्परेचर। इन दिस रजिस्टर द रजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। इफ हीट इंक्रीज द रजिस्टेंस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। द मेन टाइप ऑफ थर्मिस्टर आर NTC एंड PTC। NTC इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड इज सच डिवाइस दैट रजिस्टेंस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट डिवाइस फ्रॉम ओवर वोल्टेज कंडीशन। जो NTC होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
PTC is a positive temperature coefficient, and in such device the resistance increase as the temperature increase. These are used to protect the device from the overcurrent condition. और ये जो PTC होता है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि NTC की रेजिस्टेंस कम होती थी जब उसका टेम्परेचर बढ़ता था। ये NTC का एक कंपोनेंट है, ये आप देख सकते हो, ये इसका सिंबल है, इसको इस तरह से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोटो रजिस्टर। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, फोटो मीन्स लाइट। इन दिस रजिस्टर द रजिस्टेंस वेरी विद लाइट, एज लाइट इंक्रीज रजिस्टेंस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। दिस इज यूज फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये देखें, ये एक LDR है, और जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है इसकी रजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये इसका सिंबल है, ये रजिस्टर के ऊपर दो लाइट मार्क इस तरह से शो किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वरिस्टर वेरी विद द अप्लाइड वोल्टेज, एज द वोल्टेज इंक्रीज द रेजिस्टेंस डिक्रीज, एंड इफ द वोल्टेज डिक्रीज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए VDR, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टर। ये देखिए, ये एक VDR है, ये पावर सप्लाई में बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये वोल्टेज से हमारे सर्किट की प्रोटेक्शन करता है, और ये इसका सिंबल है।